खबर है रीवा जिले से। रीवा जिले में लूट की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रहा है। आए दिन चोरी, लूट, हत्या जैसी वारदातें घटित हो रही हैं, जिसके चलते आमजन का जीना मुश्किल हो गया है। ताजा मामला अमहिया थाना क्षेत्र के पीटीएस चौराहे का है, जहां महिला के साथ लूट की घटना घटित हुई है। दो अज्ञात बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने महिला को रोका और पुत्र के ऊपर बड़ी समस्या आने की बात कहकर सोने चांदी के जेवर बैग में रखवा लिए। हो रही बारिश के बीच महिला को किनारे ले गए और मौका पाते ही बैग लेकर भाग निकले। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक लुटेरे आंखों से ओझल हो चुके थे। घटना की जानकारी महिला के पुत्र को दी गई तो वो मौके पर पहुंचकर उसने महिला को थाने लेकर गया और वहां पर पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने बताया कि एक युवक मां के पास पहुंचा और अयोध्या से आने की बात कहकर रास्ता पूछने के बहाने उसने महिला को बातों में उलझा लिया। इसी दौरान दूसरा व्यक्ति आया और उसने मां को झांसा दिया कि उसके पुत्र के साथ मारपीट हो रही है, अपने गहने जेवर बैग में रख लो, और मौका पाते ही वो बैग छीनकर रफू चक्कर हो गए। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला के बेटे ने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। तो लड़के आए वहाँ से, बोले आपके लड़के को खतरा है, ये सारा सोना चांदी सब आप उतार के इस बैग में रख दीजिए। फिर पहले पूछे कि हम ये हमारे हॉस्पिटल बता दीजिए, हम अयोध्या से आए हुए हैं। तो मम्मी बोली कि हमको नहीं पता, फिर बता दीजिए बहुत परेशान हुए हमको अयोध्या से आए, बहुत परेशान हैं। तो मम्मी बोली कि हमको नहीं पता है। फिर बोले कि आपके लड़के को बहुत खतरा है, हम ये बहुत अयोध्या के बहुत जानकार वो हैं, संत हैं, तो हमको ये सोना चांदी आप सारा चीज़ उतार के इस बैग में रख दीजिए, आपके लड़कों को आगे मार पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। घबराने के बाद मम्मी पूरा सोना चांदी उतार के बैग में रख दी। बैग में रखी नहीं, इधर उधर करीब पानी गिर रहा था तो इधर हॉस्टल की इधर लेकर गए। उनको बोले कि आप इधर साइड आ जाइए। जैसे हॉस्टल को उधर साइड लेकर गए तो पहले इधर उधर देखे, फिर जब देखे कोई नहीं है तो बैग छीन कर लेकर भाग गए दोनों जन। मम्मी पहले इधर उधर देखी, फिर देखी तो रोने लगे, वो बेहोश टाइप पे हो गई, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि करे क्या। मम्मी का कान का लेकर चले गए हैं, सोना गले का पहन रही हैं तो गले का पूरा लेकर चले गए हैं, पैसे भी थे पर्स में और मोबाइल भी था, मोबाइल भी लेकर चले गए हैं। कुछ दिख रहे थे आपको? मम्मी बताइए, एक ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, ऐसी था, 20-22 साल का लड़के थे। पहले एक ठो तो आया था, फिर उसके बाद एक दूसरा आया कि बहुत परेशान है, इनको बता दीजिए हॉस्पिटल जाना है इनको, तो हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा, ये लोग अयोध्या से आए हुए हैं। डॉक्टर कॉलोनी के पास, नगर निगम के जस्ट सामने ही, नगर निगम पानी की टंकी पड़ती है, पानी टंकी के सामने कचरा पीटर चौराहे के पास। श्याम सेन ये बांसागर मस्जिद के पीछे, राजकुमारी वर्मा।